नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो फर्स्ट फेज़ के जो इलेक्शंस हैं वो 18 सितंबर को हैं। तो जिन भी जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जो इलेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम जो इलेक्शन में जो वोट को ज़रूर डालें। तो उसके बाद जिन एरियाज़ में, जिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिन डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन नहीं है, वहाँ पे आपको पता ही है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या कर सकती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि इस समय राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है और जो कैलेंडर है ये इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। तो इस समय जो सब थीम है वो पोषण भी पढ़ाई भी चल रहा है। तो इसमें जो एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं वो है DIY/Indigenous Toy Fair। DIY का मतलब होता है डी फॉर डू, आई फॉर ईट, वाई फॉर यूर सेल्फ। डू इट यूर सेल्फ इंडिजीनियस टॉय फेयर। तो आपने क्या करना है, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स को टॉयस बनाने हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग, आपकी महिला मंडल की मेंबर्स भी हो सकती हैं, आपकी जो वहाँ पे लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो भी हो सकती हैं, अदर 15 से लेके 45 साल तक जो लेडीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि जो इंडिजीनियस टॉयस वगैरह हैं, इंडिजीनियस मतलब कि आपके एरिया में जो टॉयस पाए जाते हैं, मींस जो आपके एरिया में जो गेम्स खेली जाती हैं, जहाँ टॉयस बनाए जाते हैं, आपने वही टॉयस बनाने हैं। उसके बाद है Toyathon/DIY/Indigenous Toy Making Workshop विद आंगनवाड़ी वर्कर। तो एक वर्कशॉप वगैरह भी लगानी है जिसमें यही जो टॉयस हैं, जो लोकल टॉयस हैं, ये बनाने हैं, ये खिलौने हैं बनाने हैं। और जो जो खिलौने होंगे ये लो कास्ट एंड नो कास्ट मटेरियल से होंगे, मींस जिसका जो वेस्ट मटेरियल है उसके हम जो टाइस, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहती है, हमारे सुपरवाइजर्स की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहती है, उन्हें पता है कि ये जो टाइस हैं कैसे बनाने हैं, नो कास्ट मटेरियल से कैसे टाइस बनाने हैं। तो वही टाइस जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं किसके लिए, जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है बच्चों के लिए, जो प्री स्कूल एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लिए जो TLM बनाना है वो टाइप उनके लिए प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी कर सकते हैं वो है प्री स्कूल रेडीनेस एक्टिविटी एट आंगनवाड़ी सेंटर, सेलिब्रेटिंग कमिंग ऑफ एज, गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एट आंगनवाड़ी सेंटर। आप जानते ही होंगे कि जो ECCE है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, वो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो हम देखते हैं कि जो 2.5 साल से बच्चे, जहाँ 2.5 साल से बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर में रेगुलर बेसिस पे आना शुरू कर देते हैं, और उनको वही उनको रेडी करवाना है कि वो जो हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर में आए, और जब भी आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चा आता है तो उसका सेलिब्रेशन करना है। तो अगर 2.5 साल का बच्चा है, जहाँ 2 साल 8 महीने, 2 साल 9 महीने, 2 साल 10 महीने का बच्चा है, तो वो जो है वो जब भी अगर स्कूल में आता है, सॉरी आंगनवाड़ी सेंटर में आता है, तो उसके लिए हमने रेडीनेस एक्टिविटी जो है वो करवानी है। उसके बाद स्पोर्ट्स डे फॉर टारगेट एज चिल्ड्रन। तो स्पोर्ट्स डे जो है, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेज है, वो सेलिब्रेट करना है आपने। बच्चों को आप कोई भी गेम खिला सकते हैं, और आप जब वो गेम खेल रहे हैं बच्चे, तो वो जो पिक्स वगैरह भी लेनी है, वो जितनी भी जी एक्टिविटीज़ हैं जी, आप जितनी भी पिक्स लेते हैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको उन वो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो पोषण अभियान डैशबोर्ड है उस पर ज़रूर अपलोड कर दें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।